गाइस, अगर आप राजस्थान की राजधानी जयपुर गए हैं तो आप लोगों ने हवा महल तो जरूर देखा होगा, लेकिन हवा महल के बारे में एक फैक्ट शायद आप नहीं जानते। पूरी ही दुनिया में हवा महल इकलौती ऐसी बहुमंजिला इमारत है जिसकी नींव है ही नहीं, यानी कि इतनी बड़ी बिल्डिंग बिना नींव के खड़ी है। इसके आगे की बोल की मोटाई 8 इंच है, जिसके सहारे 5 मंजिला इमारत को खड़ा किया गया है। पूरी ही दुनिया में ऐसा आर्किटेक्चर का बेहतरीन नमूना शायद ही आपको देखने को मिले जहां पर इतनी बड़ी बिल्डिंग फ्लैट सरफेस पर सालों से खड़ी है। गाइस, इंडिया भी आर्किटेक्चर में किसी से कम नहीं है, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है। दिल्ली के सरकारी स्कूल से रिटायर एक टीचर कीमत राय गुप्ता ने रिटायरमेंट के बाद अपने आप को बिजी रखने के लिए दिल्ली के भागीरथ पैलेस मार्केट में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की एक दुकान खोली। तब उनके पास एक सेल्समैन आया और उस सेल्समैन ने बातों में एक जानकारी दी और कहा कि हेवेल्स नाम से एक छोटी सी फैक्ट्री है जिसे उसका मालिक बेचना चाहता है। तब कीमत राय गुप्ता ने 7 लाख रुपए दे के हेवेल्स नाम की एक छोटी सी फैक्ट्री को खरीदा और रिटायरमेंट के बाद भी अपनी मेहनत के दम पे उस फैक्ट्री को मुनाफे में लाके खड़ा कर दिया। और गाइस, आज वो इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बनाने वाली कंपनी है जिसका टोटल टर्नओवर 1000 करोड़ से भी ज्यादा है। एक इंटरव्यू में कीमत राय गुप्ता जी ने कहा था कि जो इंसान मेहनत करना जानता है और जो इंसान रिस्क उठाना जानता है उसको सफल होने में कोई रोक ही नहीं सकता। कोरोना की वजह से यूएस में कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। शायद इसी वजह से वहां की एक संसद में शांति पाठ करवाया गया और ये शांति पाठ वहां के एक भारतीय पंडित राजगोपाल थुपल ने किया। ये देखिए। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय ओम शांति 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 ही। और इसके बाद सभी संसद सदस्यों ने राजा गोपाल थुपल और उनकी पत्नी के लिए तालियां भी बजाई। कितनी गर्व की बात है कि हमारी संस्कृति को पश्चिमी देश अपना रहे हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि हम उसे भूलते जा रहे हैं। आप लोगों का क्या कहना है चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। ये घटना है सन 2005 की, जब एक एरोप्लेन न्यूयॉर्क से उड़ान भरता है, लेकिन उड़ान के थोड़ी देर बाद ही पायलट को समझ में आ जाता है कि इसका जो फ्रंट व्हील है खराब हो चुका है। अब पायलट प्लेन को लैंड कराने का फैसला करता है, लेकिन लैंड करवाने से पहले वो प्लेन को लगातार 2 घंटे तक आसमान में ही चक्कर कटवाता है ताकि फ्यूल खत्म हो जाए और लैंडिंग के वक्त उसमें आग ना लगे। और उसके बाद अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए वो ये कोशिश करता है कि आगे का व्हील जमीन को ना छुए, जिससे आग लगने की संभावना कम से कम हो। और ऐसा करते हुए वो 140 यात्रियों की जान बचाते हुए प्लेन को लैंड करवा देता है। तो पायलट की सूझबूझ के लिए और 140 यात्रियों की जान बचाने के लिए एक लाइक तो बनता है।